Hey guys, namaste, salam alaikum. I hope you all are doing great. So aaj ke video mein main banane wali hoon chicken with yogurt. So hum isko bolenge chicken handi ya fir dhaba style chicken curry. ये चिकन मैंने रात से ही मैरिनेट करके रखा है विद योगर्ट, गरम मसाला एंड रेड चिली. तो हमें चाहिए 3 बड़े प्याज जो मैंने काट के रख लिए हैं. साथ में मैंने काटी हैं ग्रीन चिलीज, थोड़ी लंबी और डायगनली काटी हैं. उसके बाद है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो मैंने हाथ से क्रश किया है, और मैंने 3 टमाटर को भी ब्लेंडर में क्रश करके रखा है. चिकन तो मैरिनेट किया ही हुआ था रात से. मेरे हस्बैंड को काफी पसंद है चिकन, तो थ्राइस अ वीक तो हम चिकन खाते ही हैं. अब थ्राइस अ वीक खाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हर बार डिफरेंट स्टाइल से बनाएं, तो आज ये बना रही हूँ मैं. तो मसालों में हमने ये खड़े मसाले रखे हुए हैं कटोरी में मिक्स करके. इसमें सौंफ, इलायची, ब्लैक पेपर और सिनेमन पाउडर मिक्स करके हमने रखा है. बड़ा ही काम आता है जब ऐसी स्पेशल रेसिपीज बना रहे हो तो. एंड साथ में हमने लिए हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर. अब तो मेरे फैमिली मेंबर्स भी वीडियोस देख के हैरान हो जाते हैं कि इसने ऐसा खाना बनाना सीखा कब. तो चलिए गैस पे पैन रख दिया है, गरम होने देते हैं. उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं. अब इसमें मैंने डाल दिया है सौंफ, इलायची, सिनेमन पाउडर और ब्लैक पेपर. फ्लेम हाई नहीं रखी है मैंने क्योंकि आई डोंट वांट कि खड़े मसाले जल जाएं, सो मीडियम लो ही है. अब मैंने इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए हैं और उसको सौते करूंगी थोड़ा सा जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. अभी मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी टू कुक इट फास्ट. जल्दी तो पक ही जाता है थोड़ा हल्दी और नमक डालने से, पर खाना बनाते वक्त थोड़ी थोड़ी चीजें डालते रहो और कलर आता रहे तो मजा ही आ जाता है. सो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है. उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी एंड कुक होने दूंगी. वाकई खाना बनाते वक्त आपसे बात भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप कि मैं ये कंटिन्यू रखूं. अब ग्रीन चिलीज भी डाल दी है मैंने इसमें एंड 30 सेकंड्स के लिए कुक होने दूंगी. अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन. I'll mix this very well. अब इसमें डाल दी मैंने रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और बहुत थोड़ी सी हल्दी. अब मैं इसको अराउंड 10 टू 12 मिनट्स कवर करके कुक होने दूंगी एंड आफ्टर सम टाइम आई विल चेक. अब देखिए मैंने ये लिड ओपन किया है एंड आई थिंक इट नीड्स अ बिट मोर ऑफ कुकिंग, तो मैं फिर से कवर कर रही हूँ. 5 to 7 मिनट्स और कुक किया मैंने लिड लगा के. अब मुझे लग रहा है कि ये टेंडर हो गया है. सो अब टाइम है टोमेटो प्यूरी को इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करने का. इस वक्त मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है. पहले मैंने मैरिनेट करने में भी सॉल्ट नहीं डाला था और जब कुक किया था तब हल्का सा शुरू में डाला था जब प्याज कुक करने थे, बट मेन सॉल्ट जो टेस्ट वाला है वो मैंने अब ऐड किया है. तो
अब मैंने फिर से इसमें लिड लगा दी है और टोमेटो को भी कुक होने देंगे। अराउंड 15 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। सो रेडी है हमारा ढाबा स्टाइल चिकन करी या फिर बटर चिकन। मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है और मैं इसमें एक बड़ा पीस बटर का ऐड कर रही हूँ। उसके बाद कोरिएंडर भी डाल रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। डू शो योर लव इन द कमेंट बॉक्स और गाइस स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग।